मेरा ख्याल है अब बहुत हो चुका। तुम्हें बात पक्की समझी? बिल्कुल बहुत शुक्रिया मतलब आपसे बात रहेगी जरूर। अर्शद को मेरे पास भेजो। मेरा ख्याल है रकाबत बर्दाश्त नहीं उस हामिद अली खान से। अरशद, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सिर्फ यहाँ काम करने आती हूँ। अगर तुम भी सिर्फ काम करते, देखो दुनिया में बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को भूल जाएं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, लेकिन शादी के लिहाज से नहीं, इसलिए कि तुम मेरे बहुत अच्छे कोलीग और साथी हो। हाँ, वैसे भी मैंने दोबारा शादी करने का तो सोचा भी नहीं। मगर क्यों सबात, तुम अगर मुझे पसंद करती हो तो फिर शादी सिर्फ पसंद करने का सर्टिफिकेट तो नहीं होता, ये तो कुछ और होता है। जानता हूँ मैं, तुम यहाँ कौन सा काम करने आती हो? तुम भी उसकी दौलत देखकर फिसल गई ना? ना मैं तुमसे शादी कर रही हूँ और ना ही हामिद हुसैन से, ये सब तुम्हारी गलत फहमी है। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी, मेरी नौकरी गई है इस बात का गम नहीं है मुझे। जिसकी वजह से गई वो इस काबिल ही नहीं थी, ये गम हमेशा रहेगा। अरशद, मैं जानता हूँ तुम्हारा भाई आया था मंसूर यहाँ पर, सब जानते हैं। खुद बेचो अपने आप को या घर वाले तुम्हारे दाम लगाएं, बात तो एक ही है ना। मेरा सिकंदर से मिलना बहुत जरूरी है, मैं चाहता हूँ तुम उससे बात करो। मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता कि अगर उसने इनकार कर दिया तो जरा मेरी शान के खिलाफ होगा। खालिद को तो तुम जानते हो, खासा जिटरी है, बाजू का चीजें सही करने की बजाय खराब कर देता है। टुमारो 9 PM एट माई रेजिडेंस। जी सिकंदर साहब, कैसे हैं आप? अरे भाई, आए दिन इतने लोग मरते रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। मैं तो आपसे दोस्ताना कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। खैर छोड़ें, बातों में क्या रखा है। मैं तो हमेशा अपने काम से काम रखता हूँ। वैसे आप शहबाज साहब से दोस्ती का हाथ मिला लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज भी वो मुझसे कह रहे थे कि वो मिलना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं पहले उनसे बात करने से ज़्यादा मुनासिब रहेगा। जी हाँ, कल शाम आप उनके घर 9 बजे आ जाएं, पता तो आप जानते ही हैं। ओके, थैंक यू, बाय। बेटा, जो लोग पैसों से ना खरीदे जा सकते, सॉरी आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। आपका पैगाम मिला था, समय चला है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको तवक्को नहीं थी कि मैं वाकई आ जाऊंगा, वरना आप मुझे किसी दूसरे आदमी के जरिए फोन ना करवाते। अब मैं चलता हूँ। बैठो बेटा, बैठो, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। देखो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, बल्कि अच्छा चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद लोग डरते हैं मुझसे।
मैं ना तो किसी से डरता हूँ और ना ही किसी से दबता हूँ, और आइंदा अगर आप मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहें तो आप मुझे खुद फ़ोन कर सकते हैं। नौजवान आदमी हो ना, इसलिए दूर तक नहीं देखते, है ना? आप चाहते हैं कि मैं दूर तक देखूं? हाँ, आगे देखो, सामने क्या है, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। उलझने के मकाम तो बहुत आते हैं और हर जगह उलझने वाला इंसान कहीं नहीं पहुँचता, और ये आदत कभी कभी खतरनाक भी साबित होती है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं। अगर ऐसा होता तो तुम्हें यहाँ बुलाने की जहमत क्यों देता? वैसे धमकी कमजोर लोग देते हैं। मेरा तो दोस्ताना मशवरा है कि तुम मुकदमा वापस ले लो। और आप उन गवाहों का क्या करेंगे? उनको तो बोलना ही नहीं आता, वो तो बेचारे बड़े खामोश लोग होते हैं। और आपके ख्याल में वो अपना गम भूल जाएंगे? हाँ, इसलिए कि उनके बच्चों के पेट में रोटी जाएगी तो वो चाहेंगे कि उनके बच्चे भूख से मरने के बजाय जिंदा रहें। सजावल, वो अगर मेरे टुकड़ों पर न पल रहा होता तो उसका बच्चा दवाई के बजाय भूख से मर जाता। अगर वो आपके खिलाफ गवाही दे सकता है तो फिर वो भी आपके खिलाफ गवाही देंगे जो आपके टुकड़ों पर नहीं पलते। नहीं, सजावल के और भी बच्चे हैं। उनको भी मार देना चाहते हैं क्या? मैं इस तरह की बात सुनने का आदी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे वाकई दुख होगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो आपको यकीनन दुख होगा, क्योंकि आपके बेटे को फिर कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। उसके सर पे मैं हूँ, तुम्हारे सर पे कोई नहीं। मेरे सर पर कानून है, और उसकी गिरफ्त आप लोगों के गिर्द बहुत मजबूत हो चुकी है। धमकी दे रहे हो? धमकी कमजोर दिया करते हैं। समझ में नहीं आती, तुमने बातें भी ऐसी शुरू कर दी हैं जो किसी की समझ में नहीं आती। मंसूर, अगर मैं इस घर में रह लूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वैसे भी तो मैं अपना खर्चा खुद ही उठा रही हूँ ना। फर्क पड़ेगा सबात, सारे प्लान, वो ये शादी बहुत जरूरी है। ये तुम समझते, मैं नहीं। देखो, तुम्हें मना करना था ना तो पहले किया होता, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझसे पहले पूछा ही करता। सीखो सबात, ये बातें नाजिश अफोर्ड कर सकती है, तुम नहीं। देखो मंसूर, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, मैं अपना इंसान खुद कर लूंगी। क्या करोगी तुम? नौकरी करूंगी। उन्हीं हामिद साहब के पास? नौकरी करने के लिए जरूरी नहीं है कि हामिद साहब से शादी की जाए। देखो सबात, हम तुम्हारी और मदद नहीं कर सकते। तुमने मेरी मदद की कब है? बहुत समझकर तो मेरी शादी कर दी, बेवा हुई तो मुझे नौकरी की तरफ धकेल दिया, जबकि मुझे बाहर कदम रखना तक नहीं आता था। और अब कुछ सीख गई हूं तो तुम मुझे बेचना चाहते हो? और ये तुम मुझे किस मदद का ताना देते रहते हो, हैं? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। पता नहीं क्या फजूल बातें तुमने अपने दिमाग में भर रखी हैं।
तुम यहाँ? आपने इसे बताया? ठीक है उबैर, जो करना है वो हम कर लेंगे। ये बंदा मानता नहीं तो उसे उठवा लेना।
I mean, there's a limit to everything. And once he's in your custody, you're free to do whatever you want to with him. हाँ ठीक है मतलब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे फाइन क्या किया तुमने पागल हो गई हो किस किस्म के आदमी हो खालिद तुम सिकंदर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है कितने वकीलों के साथ ऐसा करोगे कानून को भी अब गोली से उड़ाओगे क्या तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मुझे सिकंदर की फिक्र नहीं तुम्हारी फिक्र है क्योंकि सिकंदर कानून नहीं तोड़ता तुम तोड़ते हो समीन तुम जाओ यहां से हमें जो मुनासिब लगेगा वो हम करेंगे बाबा मैं समझती हूँ कि आप खालिद को बचाना चाहते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिकंदर के साथ ज्यादती करें तूफान में पहले अपनों को बचाते दूसरों को नहीं कल खालिद मेरे साथ ये करेगा तो फिर क्या करेंगे आप ये मैं नहीं जानता वो मेरे घर की बात है तो ये भी आपके घर से बाहर की बात नहीं है खबरदार जो एक और लफ्ज भी निकाला तुमने क्या हुआ है रियाना मिसेस कुरैशी से कहकर इसकी शादी तय कर दो इससे पहले कि हमारे घर का डिसिप्लिन खराब हो मैं चाहता हूँ इसकी शादी हो जाए मैं कोई अंधी और बहरी नहीं हूँ अगर किसी ने मेरे लिए कोई भी फैसला किया तो सिकंदर से पहले मैं इस घर की बुनियादें हिला दूंगी समीन तमीज से बात करो जिन घोड़ों पर तुम राइडिंग करती हो उनकी भी नस्ल देखी जाती है कौन है सिकंदर किस नस्ल से है ये की बात अपनी जुबान पे लाए तो आइंदा तुम भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे समझे चलो समीर को अकेला छोड़ दो क्यों परेशान कर रही हो वो मेरे शमशेर की निशानी है मेरा भी तो है बेटा वो होगा मगर शायद तुम नहीं जानती कि जब तुम शहबाज के घर चली गई थी तो उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे उसको दूर रखूंगी अब वो तुम्हारा बच्चा नहीं है क्योंकि शहबाज ने मुझसे जाते वक्त कहा था कि अब सिर्फ शहबाज का ही बच्चा तुम्हारी औलाद होगा वही तुम्हारे पास रह सकता है आप एक माँ होकर ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं देखो मैंने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है वो बहुत हसास बच्चा है तुमने उसे बताकर अच्छा नहीं किया वो बहुत परेशान है मैं आना चाहती हूँ उसे देखना चाहती हूँ खुदा के वास्ते मुझे आने दे प्लीज एक बार अच्छा ठीक है आ जाओ दादी हाँ मेरी दादी जी बच्ची